What's up, people? क्या हाल चाल? So today is 24th of August 2020. Yes, 2020, whatever. And अपना बाइक का सेकेंड सर्विस का टाइम हो गया है. Although शेड्यूल के अनुसार तो नहीं हुआ था, बट हम करा रहे हैं थोड़ा जल्दी, क्योंकि अभी गंदी राइडें हुई हैं एंड बाइक थोड़ा नया है. अभी दिल्ली हुआ है, मध्य प्रदेश हुआ है, तो 4435 है अपना ओडोमीटर. सो टुडे इज 24th ऑफ अगस्त 2020 एंड वी आर गोइंग टू डू सर्विस, अपना सेकेंड सर्विस. पहला सर्विस का भी वीडियो बनाया था लेकिन अपलोड नहीं किया, क्योंकि बेसिकली मैंने सोचा मैं क्या करूँ अपलोड करके, सब तो अपलोड ही करते हैं. मुझे समझ में भी नहीं आता फर्स्ट सर्विस में ऐसा होता क्या है. देखने लायक दे बेसिकली वॉश योर बाइक एंड ऑयल चेंज होता है बस. सेकेंड सर्विस थोड़ी एक्सटेंसिव है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं. फ्यूल हो गया, मतलब फ्यूल फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, ऑयल हो गया एंड थोड़ा बहुत और भी ECU अपडेट करना है, क्योंकि मेरा कुछ शिफ्टर चल नहीं रहा है, मतलब चला ही नहीं कभी. तो चल एक गियर की रेटिंग में चलता है, बाकी तो चल ही नहीं रहा है. एंड रेस्ट ऑयल लीक मेरा वापस आ गया, तो उसको लेके मैं परेशान कर रहता हूँ, वो ठीक कराना है. एंड थोड़ा सा लेट हो गया सर्विस, तो ऐसे फ्राइडे को ही करानी थी लेकिन मंडे इसलिए हो गया क्योंकि जो मैकेनिक वाज फ्री एट ऑल, ही वाज सो बिजी मैन. यार बहुत बिजी है लड़का, ऐसे मजाक करते हैं. लेकिन हाँ, वो कह रहा था कि गाड़ियाँ आई हुई हैं. आप मैंने थर्सडे को पूछा था, तो उसने कहा था गाड़ियाँ आई हुई हैं, आप मंडे को आ जाइएगा सीधे. सैटरडे संडे यहाँ यूपी में तो लॉकडाउन रहता है, क्योंकि अपेरेंटली सैटरडे संडे को कोरोना बढ़ जाता है और बाकी वीकडेज में नहीं रहता है, तो फिर गवर्नमेंट हमें बचाना चाह रही है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है. ऐसा पॉलिटिक्स अपन लोग डिस्कस नहीं करते हैं, वेरी बैड फॉर सेफ्टी. तो अलाहाबाद प्रयागराज से वापस आने के बाद सर्विस कराने जा रहे हैं. अपना मैकेनिक तो 4000 रुपये बोल रहा था कर दिए भैया. मैंने कहा 4000 रुपये तो नहीं करूँगा यार, इतना भी बुरा हाल नहीं है. एक्चुअल में मेरा गियर बॉक्स साइड का कवर खुला है ना दो बार, क्योंकि इसमें ये ऐसा ग्रोमेट है, इनका गियर सेंसर करके और स्टार्टर वाला कॉइल जो जाता है तो उसका जो सील वाला ग्रोमेट होता है इनका, उससे ऑयल सीपेज होता है, लीकेज होता है हल्का हल्का मेरे केस में, सबके में नहीं होता, बट अपेरेंटली लकी मी मेरे में है. एंड रेस्ट क्या, सर्विस कराते हैं, कुछ होता है तो बताते हैं. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड पीपल. वो क्या मतलब, हम लोग अपन आ चुके हैं अपने सर्विस सेंटर पे, बाइक मेरी भूल के अब रख गई है रैम पे. सो द थिंग इज कि टाइम बहुत हो गया, ढाई अराउंड टाइम देख कर बता रहा मैं, 2 समथिंग हो रखा है. अब इतना लेट क्यों हुआ, क्योंकि मैं आधा एक घंटा लेट हो गया आने में, अपॉइंटमेंट था मेरा बट लेट हो गया आधा घंटा, तो उतनी देर में एक और बाइक लग गई. और मेरी बाइक में इशू ये था कि उसका जो गियर साइड से ग्रोमेट से हल्का सा स्वेटिंग था ऑयल का, तो उसके लिए रीजनल इंजीनियर आए हैं यहाँ, रचित श्रीवास्तव नाम है उनका सर का, अभी आके देख रहे हैं. वो पीछे मौजूद, अभी फ्रेम में तो मौजूद नहीं है, फ्रेम में मौजूद होंगे तो आपको दिखाएंगे. बाकी बाइक वॉश होके आई है, ड्राई कर रहे हैं. और सेकेंड सर्विस विद माई रिक्वेस्ट ECU अपडेट की, क्योंकि शिफ्टर चल नहीं रहा है और मैं शॉकर में थोड़ा सा फ्रिक्शन जोन है और मेरा गियर बॉक्स वाला इशू, वो देख के बाइक रेडी हो जानी चाहिए शाम तक. ओके, दिखाता हूँ डिटेल.
अपना गियर बॉक्स कवर तो तीसरी बार खुल रहा है, मतलब गिनती का तीसरी बार खुल रहा है। 4,444 4,444 किलोमीटर्स पे ये तीसरी बार खुल रहा है भाई। और मैंने कुछ किया भी अभी तक तो बाइक के साथ। दर्द होता है भाई, दर्द। चलो उम्मीद है थर्ड टाइम्स द चार्म। वैसे तो नहीं होता थर्ड टाइम द चार्म, ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता है, लेकिन देखते हैं। ऑयल का सीपेज बंद हो जाए। पता नहीं क्या हुआ है, गियर बॉक्स कवर को नंबर प्लेट पे क्यों रख के देख रहे हैं। लुक्स फनी। हाथ में गियर बॉक्स कवर। अभी दिन के 4 बज रहे हैं एंड छोटा सा ब्रेक लिया, चाय ब्रेक। अपन को भी चाय नहीं है भाई, चाय किधर है, इधर है चाय का कप है, मतलब पी तो चुका हूँ मैं चाय। आजकल मेरा इंटेक बहुत बढ़ गया, 5 से 6 चाय। एंड ये अपना नया जैकेट आया है, राइनॉक्स एयर GT3, इसका सेपरेट वीडियो आएगा थोड़े ही टाइम में। एंड फिलहाल बाइक तो खड़ी है, उसका गेयर बॉक्स साइड का कवर उन्होंने प्लग ऐसा मतलब लगाया उस पर, क्या गैस्केट, गैस्केट नहीं बोलते हैं, पैकिंग, हाँ पैकिंग लगा दिया और उस पर सीलेंट लगा दिया। आपकी बजाज का लगा है, बजाज और KTM का फर्क होता है। फिलहाल वो हो गया है एंड रेस्ट वी आर वेटिंग। Hey guys! तो सेकेंड सर्विस का फटका पूरा हो चुका है, 2000 का चटका लगा है हमले क्या होता है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड सर्विस हो चुकी है एंड 2000 का खर्चा आया है। अभी ATM तक जाके कैश निकालेंगे क्योंकि मशीन नहीं चली है, दाढ़ी बहुत हो गई है, भीड़ है यहाँ पे। What's up? तो अभी वीडियो हम लोग एंड करेंगे, मैं अपने घर आ चुका हूँ, सेकंड सर्विस पूरी हो गई है। बाइक का क्विक शिफ्टर वही पुराना है, 1 गियर जाएगा, मतलब 1 गियर डाउन किया आपने, फिर नेक्स्ट 1 गियर अप जाएगा, आगे नहीं जाएगा। एंड रेस्ट ऑल इज गुड। इफ यू लाइक दिस वीडियो इसको लाइक देगा, शेयर करने का मन हो तो शेयर करने का, ऑल्दो आई डू वंडर, बट कमेंट करके बताने का,
क्या करने का है, क्या देखने का है, समथिंग आइडियाज देने का, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कब कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो फिर भी अगर नहीं भी करना तो टाइम लेके करना है ठीक है लेकिन करना थोड़े टाइम में कर दो हाँ, और जिनने कर रखा है थैंक यू ऑलरेडी। बाकी बाय बाय। अच्छा फटका 2000 का आया था, 1950 आया थी, ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, चेन ल्यूब हुई, चेन क्लीन हुई, थोड़ा सा कूलेंट पड़ा, बाइक वॉश हुई, एयर फिल्टर चेक किया गया कि कितना धूल है, ठीक ठाक था, ज़्यादा नहीं था, एंड डिस्क के पैड निकाले गए, देखे गए, पीछे वाला पैड घिस चुका था, मतलब 500 था, 1000 चल जाता, बट भैया ने कहा तुम्हारी हरकत है गाड़ी लेके घूमने वाली लंबी लंबी, तुम बदला लो, ठीक है बदला दो, एंड आगे का सही था तो आगे का है, उसको थोड़ा सा रफ एंड अप करके सरफेस उसका साफ किया करके, एंड रेस्ट पॉलिश बड़ा अच्छा किया लड़के ने, ऑल दो मुझे लग रहा है कि वो टिप मांगने की नजर से मुझे देख रहा था लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया और बस कैश, हाँ चलो ठीक है और क्या, वेल ठीक है सर्विस हो गई, अब देखते हैं 3-4 दिन बाद गियर बॉक्स का प्रॉब्लम सॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बाद में पता चलेगा, टिल देन गो बाय।